हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक टू वन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हीरो मोटर कॉर्प शेयर के बारे में। यहाँ पे देखिए तो शेयर अभी राइट नाउ 3065 रुपीज पे ट्रेड कर रही है। मार्केट में पुराने टाइम से अगर बात करें तो बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिली। टाइम पे 2300 पे भी शेयर आ चुकी थी और फिर उसके बाद एक गजब की तेजी देखने को मिली। यहाँ पे ऑलमोस्ट 36%, इतनी बड़ी शेयर में 36% तक की तेजी देखने को मिल गई थी। बट उसके बाद एक ऐसा सिनेरियो आया जहां पे ये शेयर्स डाउन आते हुए दिखी। अब डाउन आते हुए दिखी तो बहुत ही टेंशन की भी बात थी, तो उस मैटर को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग और रेसिस्टेंस के बारे में भी जानेंगे। यहाँ पे अगर बात करें अभी के टाइम पे तो होल्डिंग्स कोई खास होल्डिंग्स बनते हुए नहीं दिख रही है। 31.89% की होल्डिंग्स बनते हुए दिख रही है। तो जहां पे ये चीज बताया जाना है कि इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होते हुए दिख चुका है। अब इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होते हुए दिखा तो रीजन क्या क्या उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले शेयर ट्रेड कर रही है अभी 3064 रुपीज पे। यहाँ पे अगर आगे की ओर बात करें तो बुक वैल्यू है शेयर की 777, तो बहुत ही ज्यादा बुक वैल्यू से बहुत ही ज्यादा हाई हो चुकी है मार्केट में अभी के टाइम पे। यहाँ पे अगर ऑल ओवर चीज की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं डिविडेंड अच्छा खासा देते हुए लगातार मार्केट में दिखे। 65 रुपीज का डिविडेंड इधर दी है, इनफैक्ट इधर भी 35 रुपीज का डिविडेंड दी है। इस पॉइंट पे भी डिविडेंड देते हुए हमेशा दिखती है। अब आते हैं 6 मंथ के सिनेरियो पे, यहाँ पे देख लेते हैं मैटर अभी क्या हुआ है कि ये अभी अच्छी खासी ऊपर चली गई थी। यहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था तो वो सपोर्ट को ब्रेक भी नहीं करते हुए दिखी और वहां से ब्रेकडाउन का मिलने का कोई चांस नहीं बना, ऊपर फिर से तेजी। फिर यहाँ पे कॉन्सोलिडेट करते हुए दिखी अच्छे खासे टाइम पे। एक अच्छी पॉइंट पे आने के बाद फिर से यहाँ पे इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे आ जाती है। उससे पहले इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे आती है तो अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को फेक ब्रेकआउट देखने को मिला और फिर उसके बाद इसी रेंज पे ट्रेड करते हुए दिख गई। तो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे 2900 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया था और उसी पे ट्रेड करते हुए दिखी और अभी के टाइम में करंट सिनेरियो में 3064 रुपीज पे ट्रेड कर रही है मार्केट में। आगे की ओर बात करें तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि यहाँ पे होल्डिंग्स पहले टाइम अच्छी खासी बनते हुए दिख रही थी बट अब होल्डिंग्स में कमी होते हुए दिख रही है। अब सितंबर 4 की न्यूज है हीरो मोटर कॉर्प टू इन्वेस्ट 550 करोड़ इनटू एथर एनर्जी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये भी एक कंपनी है। तो अभी इसमें बहुत ही बड़ा देखने को मिल रहा है चेंजेस। यहाँ पे रिड्यूस हीरो मोटर कॉर्प टारगेट, तो यहाँ पे 2672 की टारगेट बोली जा रही है, मतलब कम होते हुए दिख सकती है। यहाँ पे 100% बाइंग जरूर बोला गया है बट यहाँ पे 100% बाइंग के पीछे मत पड़िए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चीज चेंज होने का चांसेस बन सकता है। तो क्या क्या चीज है जो चेंज होने की चांसेस बन सकती है उस पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे बात करें शेयर्स के फंडामेंटल के साइड में तो जस्ट एक बार मैं फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझा पाऊँ। यहाँ पे शेयर ऑलमोस्ट मतलब डेप्थ फ्री कंपनी है, यहाँ पे स्टॉक को गुड डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, फिर कंपनी मेंटेन द हेल्दी डिविडेंड पे आउट, ये सब बहुत ही अच्छी है। अब यहाँ पे 2-3 कंपनी जो इसके बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटर में वो ये सारी कंपनीज है। अब आ जाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साइड बात करते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देख सकते हैं लगातार मार्केट में अच्छी तेजी बनते हुए दिखी है। इस बार ये जून 2023 में अच्छी खासी ऊपर जाते हुए दिखी हमें और यहाँ पे कुछ हल्का पॉइंट ही है बट हाँ इंपॉर्टेंट है। देखिए टू व्हीलर के मार्केट में हम बहुत ही लीडिंग कंपनी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी के टाइम में जैसे टीवीएस है, टीवीएस भी बहुत ही एक लीडिंग कंपनी है तो उस हिसाब से उसके सेकंड में यही आ रही है अभी मार्केट के लिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें 982 पे मेंटेन करते हुए दिखी और पुराने टाइम से कम होते हुए दिखी है। तो यहाँ पे एक रीजन हो नेगेटिव पॉइंट आ चुकी है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे ऑल ओवर में पुराने टाइम से हमें तेजी देखने को मिला है और अभी करंट सिनेरियो में ये पोजीशन पे है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख सकते हैं 2615 पे अभी के टाइम पे है और अगर आगे की ग्रोथ के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे सबसे पहले बोरोइंग्स बहुत ही कम है और रिजर्व इनकी उससे भी बहुत ज्यादा है। तो सबसे टेस्ट पॉइंट मुझे लगती है रिजर्व, क्योंकि रिजर्व है तो हैंडल हो सकती है चीजें चाहे कितना भी दिक्कत आ जाए, बोरोइंग का इंटरेस्ट ही क्यों ना बढ़ जाए। तो यहाँ पे रिजर्व बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करते हुए दिख चुकी है। ऑल ओवर चीज की बात करें तो शेयर्स ऑलमोस्ट अच्छी है। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग लगातार सेम तरीके से बनी हुई है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कम होते हुए दिखी और लास्ट में कुछ तेजी देखने को मिली है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे सेम तरीके से फ्लो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बना हुआ है बट कुछ पॉइंट्स की कमी होते हुए दिखी है, कुछ परसेंटेज की। यहाँ पे पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी सेम तरीके से मेंटेन की हुई है बट यहाँ पे लास्ट में उसमें भी कमी है। तो ऑल ओवर अगर हम लोग एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो ये शेयर्स कैसा आपको फ्यूचर में परफॉर्म करते हुए दिख सकती है। तो आ जाते हैं
ट्रेंड चार्ट पैटर्न के साइड बात कर लेते हैं, तो शेयर्स अभी के टाइम पे यहाँ पे एक अपर ट्रेंड को फॉलो करते हुए दिख रही है, और अपर ट्रेंड को फॉलो करते हुए दिख रही है तो मे भी चांसेस हो सकता है इसके चलते ये ऊपर चली जाए, और ऊपर जाने का भी चांसेस बना रही। देख सकते हैं ये इस पॉइंट को ब्रेकआउट दे दी थी बट फिर से अभी डाउन आ चुकी है, तो बट ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं कि ये डाउन आ जाएगी और डाउन आएगी। यहाँ पे ब्रेकआउट बनाई थी 3102 तक जाते हुए देखिए, और यहाँ से शेयर्स की तेजी बन सकती है 3240 तक, क्योंकि वो रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है 40 से लेके 3200 की, मतलब हाँ 3200 से 3240 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज मैटर करती है, क्योंकि वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया बन रही है, तो इस चीज को अपने को फोकस में रखना है। और फिर उसके बाद सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज का बात कर लेते हैं, तो 2920 से लेके 2000 इनफैक्ट 2980 तक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया है। अगर बहुत कोई मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप लोग सोच रहे, तो सबसे पहले आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कौन कौन सा बन रहा है, तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है आपका 3000, देन आपके हाथ में आ रहा है जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 2977 के एरिया में आ रहा है, तो ऑलमोस्ट अगर बात करें 2970 तक के एरिया में बन रहा है, तो इस चीज का आप लोग को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि ये चीज ब्रेक होते हुए नहीं दिखे। डैट सॉल्व, यही था अभी के टाइम में ऐसे ही एक अपर ट्रेंड को क्रिएट की हुई है, और इनफैक्ट जब तक ये 2970 तक में नहीं आती तो डाउन ट्रेंड का कोई सिनेरियो बनता ही नहीं है। चांसेस रह सकती है, मतलब मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, चांसेस यहाँ पे रह सकती है कि ये 3050 तक आते हुए दिख जाए या 3030 तक के रेंज के बीच में आते हुए दिख जाए, बट अगर उसको उससे नीचे आती है तब टेंशन लेने वाली बात है। डैट्स ऑल गाइस, यही था इस वीडियो में। अब थोड़ा और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं मेरे चैनल को, और यहाँ पे लगातार वीडियो अपलोड होते रहती है, तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ हमेशा, IOC ONGC, आज के दिन IOC ONGC के बारे में भी वीडियो अपलोड हो गई है, ITC के बारे में भी वीडियो अपलोड है, सारी कंपनीज के मोस्ट ऑफ ऑल सारी कंपनीज के बारे में वीडियो अपलोड रहती है। आप लोग प्लीज जाइए और वॉच कीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इनफैक्ट जिन किन्हीं को भी पर्टिकुलर शेयर्स पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, अपना डाउट अपने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में भी डाउट कर सकते हैं, बस यही कंपनी नहीं कोई भी कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं, मैं खुद से एनालाइज करूंगा और वो चीज को आपको रिजल्ट बताऊंगा, आंसर बताऊंगा। यहाँ पे बात करें, मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, प्लीज आप जाके इसको फॉलो कीजिए। इनफैक्ट जो भी डाउट है तो आप उधर जाके क्लीन एंड क्लियर कर सकते हैं, DM कीजिए मुझे और मेरी टीम आपको जल्दी से जल्दी फॉरवर्ड करेगी, जो भी मैसेज रहेगी जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी आपको मैसेज करेगी। और जिन किन्हीं को भी अपना फ्री डिमैट अकाउंट खुलवाना है वो भी अपस्टॉक्स में बिना कोई ब्रोकरेज का, तो प्लीज आप अपस्टॉक्स में खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इनफैक्ट आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगी, और ये सारी भी वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। और प्लीज गो एंड वॉच दिस वीडियो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।